जय हिंद दोस्तों, AWP की तरफ से अप्रैल 2022 की वैकेंसी निकाली गई है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूजफुल कंटेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो पोस्ट है ऑफिसर की है, CSO एडमिन की पोस्ट है, जमशेदपुर जॉब लोकेशन रहेगा, 30 लाख रुपये पर ईयर पेमेंट दी जाएगी। बुरसूर में जो पोस्ट है दोस्तों, बुरसूर IBY स्कूल की पोस्ट है, सिमला जॉब लोकेशन, 1 लाख रुपये प्लस बोर्डिंग प्लस लोडिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है ब्लैक बेल्ट डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, बेंगलुरु जॉब लोकेशन, 15 लाख रुपये पर ईयर पेमेंट। डायरेक्टर एडमिन की पोस्ट है, इंदौर में जॉब लोकेशन रहेगा, तो उसकी डिटेल्स भी पाउज करके यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो रखी गई है JCU साहिबान की रखी गई है। सबसे पहले जो पोस्ट है कंसल्टेंट की, 2 वैकेंसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड GIS टेलीकॉम प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु में। JCOs जो कि AME इंजीनियर्स और कॉर्पस ऑफ सिग्नल्स के हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिन्होंने भी किया हुआ है वो इसके लिए एप्लीकेबल है। चेन्नई जॉब लोकेशन रहने वाला है, 8 से 9 लाख रुपये पर मंथ पर ईयर सैलरी दी जाएगी। कॉन्टैक्ट करना होगा AWO चेन्नई। नेक्स्ट पोस्ट है एडमिन एंड फैक्ट्री मैनेजर की, बुरुखा गैसेस लिमिटेड की तरफ से 4 वैकेंसीज रखी गई है। JCU बिलो 50 है, जिन्होंने BSc BCom या फिर BA किया हुआ है। आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे भी आप एक बार बात करके देख सकते हैं। जॉब लोकेशन बेंगलोर में रहने वाला है, महादेवापुरा में, और 50 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। AWO बेंगलुरु कॉन्टैक्ट करना होगा, यह नंबर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, 2 वैकेंसीज है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर या मैनेजर की, झाबुआ पावर प्लांट घनसौर की तरफ से। JCO जिनकी उम्र 54 साल से कम है, सेफ वन है और करेक्टर एग्जाम्पलरी है। घनसौर MP में जॉब लोकेशन रहने वाला है, 26 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। 12 घंटे की ड्यूटी होगी, फ्री एकोमोडेशन रहने का फ्री दिया जाएगा। AWO जबलपुर कॉन्टैक्ट करना होगा, नंबर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइजर पब्लिक एडमिन की, 4 पोस्ट है, एम्स बीजापुर जम्मू में। JCOs बिलो 50 ईयर, जिन्होंने 12th या फिर 10th पढ़ा है वो इसके लिए अप्लीकेबल हैं। जम्मू में जॉब लोकेशन रहने वाला है, पेमेंट 20 हज़ार से 25 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। AWO जम्मू में आपको कांटेक्ट करना होगा। अभी बात करते हैं NCOs UR की वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले जो पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की, 5 वैकेंसीज रखी गई है, रिलायंस पाइपलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शहडोल मध्य प्रदेश की तरफ से। OR जिनकी उम्र 50 साल से कम है, सेफ वन है, करेक्टर एग्जाम्पलरी है वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। शहडोल मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन रहने वाला है, 24,518 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 26 दिन महीने में ड्यूटी होगी और फ्री एकोमोडेशन दिया जाएगा। AWO जबलपुर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की, 15 से 20 वैकेंसीज रखी गई है, ईगल सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर की तरफ से, सेक्टर 29 नोएडा में वैकेंसी रहेगी। OR 50 साल से कम जिनकी उम्र है वो इसके लिए अप्लीकेबल है, लेकिन शुड बी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, बुलंदशहर से बाहर का आदमी होना चाहिए वही इसके लिए अप्लीकेबल है। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री सिकंदराबाद में जॉब लोकेशन रहने वाला है, 20,515 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी, प्लस इंसेंटिव EPF और ESI दिया जाएगा। AWO लखनऊ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की, 5 वैकेंसीज विद आम श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला की तरफ से निकाली गई है। विद आर्म्स का मतलब ड्यूटी विद आर्म्स होगी, और ऐसा नहीं कि आपके पास हथियार होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। विद आर्म्स ड्यूटी विद आर्म्स होगी, ये मतलब यहाँ पे रखा गया है। 5 वैकेंसीज है, OR जिनकी उम्र 50 साल से कम है, जो सेफ वन है, इसके लिए अप्लाई करें। MDC पंचकुला जॉब लोकेशन रहने वाला है, 22 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। AWO चंडीगढ़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की, 20 वैकेंसीज है, मुकुंद स्टील प्लांट की तरफ से निकाली गई है। OR 50 साल से कम जिनकी उम्र है, 12 पास किया है, नवी मुंबई जॉब लोकेशन रहने वाला है, 27 हज़ार रुपये पर मंथ दी जाएगी। हैंड में 23 हज़ार रुपये, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 26 दिन ड्यूटी होगी महीने में, बाकी आपका बाद में दिया जाएगा। AWO जयपुर में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज थी दोस्तों जो कि अप्रैल महीने की निकाली गई है 2022 के तहत AWO की तरफ से। आज के लिए इतना ही, जानकारी अच्छी लगती है तो दोनों अन्य लोगों को भी शेयर करें। जय हिंद।